पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। एबीएन न्यूज चैनल देख रहे समूह दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पहुंचे हैं आज डीसी ऑफिस फाजिलका, जहां पर रूरल हेल्थ फार्मा सेक्टर अफसर अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर आए हैं, उन्हें मांग पत्र देने आए हैं। आइए करते हैं इनसे बात, क्या कहना है रूरल हेल्थ फार्मेसी अफसरों का। हाँ जी सर, असी आज रूरल फार्मेसी ऑफिसर्स जिला परिषद ऑफिस इकट्ठे हुए हैं रिगार्डिंग साड़ी स्ट्राइक दे अगेंस्ट। तुहानू पता ही है जो असी कोविड 19 के अंडर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, एमरजेंसी ड्यूटीज ऑल ओवर पंजाब सारी ड्यूटीज चल रही हैं, और सरकार दे नाल साड़ी सिर्फ इको ही डिमांड है कि सानू रेगुलर किया जाए। सरकार नाल साड़ी गलबात चल रही है, उस दे उपलक्ष्य विच साड़ी कई बार जिहड़ी गलबात गल्लां विच ही रह गई, कैबिनेट मीटिंग विच भी पास होने तो पिछली बार सानू असी वंचित हो गए। साड़ी इको ही दरखास्त है सरकार नू कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग विच अज या कल दे विच सानू बिना किसी शर्त तों साड़ियां सेवावां नू मुख रखते हुए कोविड 19 के अंडर सानू एस रेगुलर किया जाए। असी इस करके ही अपने आज जिला परिषद ऑफिस अपना मांग पत्र दे रहे हैं। हाँ जी सर, मेरे प्यारे साथियों, सब तो पहला मैं तुहाडा आंदे इत्थे वेलकम करदा। तुहानू पता ही है कि अपने जो ड्यूटीज कोविड 19 के अंडर चल रही ने, अज असी उन्हां ड्यूटीज दे अगेंस्ट जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि सानू पता है तुहानू जिवें सब तो असी 2006 तो पेंडू डिस्पेंसरियां दे विच काम कर रहे हैं, और 14 साल तो है, 15वां साल है साडा, सानू असी ठेके ते उस तरह ही काम कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों तो साडियां ड्यूटीज एज ए फार्मेसी ऑफिसर के तौर पर साडियां ड्यूटीज एमरजेंसी ड्यूटीज हेल्थ दे विच लगा दी गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लगा दिता गया उन्होंने ड्यूटी से, असं जो सा ड्यूटी से काम करने को कोई ग्रेज नहीं। साढ़े जो फार्मेसी ऑफिसर ऑल ओवर पंजाब बख थावान से अपनी एमरजेंसी ड्यूटी आइसोलेशन अपना एयरपोर्ट से हरिमंदर साहब और बॉर्डर से हर तरह की अपनी ड्यूटी तनदेही करवा रहे हैं, और ईवन कि तनदेही और मैं कहाँ धन नाल भी, क्योंकि बिकॉज तुम सोचो एक बंदा जरा 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चल के अपना पेट्रोल बाल के अगर जा रहा है, तो अभी 10,000 रुपए की ड्यूटी कर रहे हैं। सोचो 10,000 रुपए कमाने वाला बंदा वो अपनी ड्यूटी करके अपना पेट्रोल बाल के जा रहा है, तो किवें अपने बच्चे पालेगा। साड़ी सरकार अगर सिर्फ इको डिमांड है कि सानू बिना किसी शर्त साड़ियाँ सेवा जो कोविड 19 के अंदर करते हुए बिना किसी शर्त लागू किया जाए, वो सानू रेगुलर किया जाए। अज साडी मीटिंग कल की मुख्य मीटिंग चल रही थी, कई दिनों तो साड़ी गलबात चल रही सरकार नाल, पर सानू पिछली मीटिंग के संभावना ही दी गई, आश्वासन ही दिए गए, सानू कोई भी जोड़ा है रिटर्न नहीं दिता गया। असी सरकार तो मांग करते हैं कि साडा अज जी होने वाली मंत्रिमंडल की मीटिंग सा नोटिफिकेशन जारी करके सानू रेगुलर किया जाए, ता जो असी अपन ड्यूटीज होर भी तनदेही निभा सकिए, और जो साड़िया ड्यूटी अज उन्होंने रेगुलर नहीं कीतिया तो असी इन्हें जी ड्यूटी साड़ी एमरजेंसी ड्यूटीज लगाई ने हेल्थ डिपार्टमेंट के इनका बायकॉट करके वापस असी अपनी ड्यूटी जीडिया ने साड़ी पेंडू डिस्पेंसरियां बैठ जावे। धन्यवाद। सर आपका नाम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं SSC इस्लामवाला जलालाबाद से रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर। आज हम सभी यहाँ जिला परिषद में इकट्ठे हुए हैं हमारी मांगों को लेकर। पिछले 14 साल से सरकार हमारा शोषण करे जा रही है। 14 साल में तो रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हो गया था, लेकिन हमारा खत्म नहीं हुआ। आज 10,000 रुपये पर हम काम कर रहे हैं, जबकि एक रेगुलर फार्मेसी ऑफिसर 80,000 रुपये ले रहा है। आप खुद सोच सकते हो कि 10,000 रुपये में क्या गुजारा चलता है हमारा। अपना पेट्रोल खर्च करके हमारी इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, नाकों पर मेरी ड्यूटी पुलिस नाका डिपावली पर लगी हुई है। रोज अपने बाइक पे 10,000 रुपये में देख लो आप, मैं अपने परिवार का गुजारा भी करना है और अपना पेट्रोल खर्च करके बगैर किसी प्रोटेक्शन के जाके वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। और हमारी डिमांड है कि हमारी 14 सालों की सर्विस को मुख्य रखते हुए हमको तुरंत प्रभाव से रेगुलर किया जाए। आप आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ पे अपनी जो
को लेके इकट्ठे हुए हैं कि 14 साल से हम काम कर रहे हैं और हमें रेगुलर नहीं किया गया और हमारी इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। अगर हमसे काम ले रहे हो आप इमरजेंसी में तो हमें रेगुलर करने में क्या प्रॉब्लम है, हमको रेगुलर किया जाए। हाँ जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम राम निवास है जी, सब्सिडरी हेल्थ सेंटर रूड़ियाली डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। आप आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए जी? आज हम यहाँ जी पंजाब लेवल पे इकट्ठे हुए हैं, पंजाब लेवल की कॉल थी और यहाँ जो फार्मेसी ऑफिसर्स इकट्ठा हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के हैं। हम गाँव की डिस्पेंसरी में पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं और आजकल तकरीबन 2 महीनों से हमारी ड्यूटी जो है वो कोविड-19 के अंदर इमरजेंसी ड्यूटी जैसे बॉर्डर्स पे, आइसोलेशन वार्ड पे, क्वारंटाइन सेंटर्स पे लगाई हुई है। पर हमें प्रॉब्लम ये है कि 14 सालों से हम सिर्फ 10,000 में काम कर रहे हैं और इन इमरजेंसी ड्यूटीज़ के दौरान सरकार ने हमारी ये मांगे मानी हैं, इनको रेगुलर किया जाएगा, परंतु हर एक जो भी कैबिनेट मीटिंग आती है उसमें आगे की कैबिनेट मीटिंग का कह दिया जाता है। तो आज हम एक दिन की जो इमरजेंसी कोविड ड्यूटीज़ है उसका बाइकाट करके पूरे पंजाब में इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी जो मांगी हुई मान्य हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका जो है नोटिफिकेशन किया जाए। अगर आपकी सरकार ने मांगे ना मानी तो आपका यूनियन का या आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखो जी, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जैसे हम आज एक दिन के लिए कोविड-19 की इमरजेंसी ड्यूटीज का बाइकाट किया है, इसका हम परमानेंटली पूरे पंजाब में बाइकाट कर देंगे और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो सरकार के अधिकारियों की और गवर्नमेंट की होगी। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।